अगर आप ये सोचेंगे कि अभी हम 30 मार खान बन जाएंगे तो कभी नहीं होगा, जान आ जाएगा आप हट। अब हम भी पंजा लड़ा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, दिस इज ट्रिपल आर फिटनेस एंड बैक विद द अनदर वीडियो। और आज हम ट्राइसेप्स एक्सरसाइज बताएंगे कि बिगिनर को कौन सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम होगी तो क्या होगा, आपको फायदा देगा वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो क्या आप रेडी हैं? हाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप बताइए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले? वार्म अप। ठीक है, वार्म अप बहुत ही जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको इंजरी हो सकती है, आपको क्रैम्प हो सकती है, ठीक है, और आपको मन भी नहीं लगेगा एक्सरसाइज करने में, क्योंकि हमारी बॉडी हिट नहीं होती है। तो क्या करना है आपको, वार्म अप करना। और पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि वार्म अप कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि वार्म अप कैसे किया जाता है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि आप आई बटन में देख रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी डायमंड पुशअप तो आपको मालूम है, चलिए आप कीजिए। ठीक है, हिप को थोड़ा नीचे कीजिए हल्का सा, बस 40 कम ऑन 3 आपको 5 करना है, 4 5 बहुत अच्छा। तो अगर आप जिम में कर रहे हैं, अगर आप घर में कर रहे हैं तो करीबन आपको कम से कम 10 और 15 के बीच में करना है, और सेट रहेगा वही आपका 4 से 5। इसमें आपका क्या रहता है, 3 मसल रहता है। ये क्या है आपका लॉन्ग हेड, ये क्या हुआ आपका लॉन्ग हेड, ये लेटरल और आपका मिडिल हेड, ठीक है। जिनको भी आर्म्स बड़ा करना है, ये वाला, बहुत लोग सोचते ना कि ये बड़ा मसल होता है, लेकिन ये गलत है। आपका ट्राइसेप मसल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि ये ट्राइसेप में क्या होता है, 3 ट्राई मतलब 3, बाइसेप मतलब 2, ठीक है। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आपकी सेकेंड एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी बेंच डिप्स। बेंच डिप्स आपको मालूम है कैसे होता है? नहीं, चलिए देखिए कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको बेंच पे, अगर आप जिम में कर रहे हैं तो आपके पास तो बेंच होगा ही, ठीक है, उसे बैठ जाएंगे। जितना आपका ये डेल्टो मसल है, डेल्टॉइड, इस पर ऐसे रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और अपना पैर को आगे ले जाएंगे। देखिए हिल पे हो गए, और आपको सीधा नीचे आना है। अब देखिए कहाँ फोकस आ रहा मेरा, देखिए। तो सेम आपको इसी तरीके से करना है, कीजिए आप। बहुत अच्छा, चलो कम ऑन, बस और हल्का क्लोज कीजिए हाथ को, बहुत अच्छा, चलो 1 5 टाइम्स 2 बहुत अच्छे, देखिए इसका, देखिए 3 4 कम ऑन 5 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको कितना करना है वही 10 और 15 के बीच में, और सेट रहेगा वही आपका 4 से 5। आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज कंप्लीट। आप करेंगे वेट ट्रेनिंग डंबल्स, कि डंबल से आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है आपके ट्राइसेप्स मसल के लिए। तो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। क्या आपको ये एक्सरसाइज मालूम है? नहीं। तो चलिए देखिए कैसे होता। ऐसे बैठ गया, ठीक है, डंबल देखिए ऐसे पकड़ना, देखिए है ना, फिंगर से, और क्या करना ऊपर पुश कर देना, पुश कर दिया, यहाँ फिक्स रहा मेरा एल्बो, अप नीचे अप, इस तरीके से आपको करना कीजिए। और ऐसे आपको घबराने कोई बात नहीं, आप करते 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 एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी हम 30 मार खान बन जाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। चलो बहुत अच्छे, यहाँ फिक्स कम ऑन 3 4 5 ये आप बस कंप्लीट। ये क्या है आपका लॉन्ग हैंड, ठीक है, ये लॉन्ग हैंड को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करता है। लॉन्ग हैंड ही आपका ये बताएगा कि ये बड़ा होगा या नहीं। इसको करना आप करीबन कम से कम आपको 15 और 20 के बीच में, और डंबल अपने अकॉर्डिंग, ये हमको लग रहा कि लाइट वेट होगा, ठीक है, 5 kg होगा। अगर आपके पास 10 kg है, 12 kg है, उसको यूज करें तो ज़्यादा आपका इस मसल में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सेट रहेगा वही आपका 3 और 4 के बीच में। आप करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज वो है आपका ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, लेकिन इस पर क्या करेंगे, एक हाथ से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये फिक्स देख रहे हैं, इस तरीके से आपको करना कीजिए आप। कोई भी हाथ से कीजिए ना, राइट लेफ्ट, हाँ बहुत अच्छे। ये भी आपके लॉन्ग हेड के लिए, कम ऑन 2 और 3 4 बहुत अच्छे, 5 बस बस बस। तो बताइए आपका ये वाला जो स्ट्रेंथ है ये कहाँ इंक्रीज हो रहा है? आर्म्स में हो रहा है, ये आपका आर्म्स है पूरा, इसको शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, थीके? और ये क्या है आपका ट्राइसेप, ये क्या हुआ आपका फोरआर्म्स, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करें ना तो आपका आर्म्स में क्या होगा ना, स्ट्रेंथ आएगा। एक हाथ से, दोनों हाथ से करें तो ईजी लगेगा आपको, एक हाथ से क्या करें आपका ताकत भी बढ़ रहा है और आपका ट्राइसेप में ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो इसको वही सेम करिएगा आपको
15 और 20 के बीच में, अब सेट रहेगा वही आपका 4 से 5। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे वो है आपका किक बैक। किक बैक कैसे होता है देख लीजिए आप, आपका पोजीशन क्या रहेगा, सबसे पहले ऐसे रहिए स्ट्रेट, ठीक है, आगे झुकेंगे, नीको बैंड करेंगे और ऐसे पुश, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देखिए आप पीछे आके देखिए, देखिए 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 अरे हाँ। तो आपको ये वाला एक्सरसाइज करना, आपका ट्राइसेप के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ये वाला, बहुत ये हिप ऊपर, बस चलो यहाँ फिक्स, अब स्ट्रेट करो, बैंड करो बैंड करो बैंड करो, हाँ सीधा, हाँ हाँ सीधा स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट नहीं मतलब अपना बॉडी को नीचे झुका के, हाँ अब हल्का सा आर्च, हाँ अब करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, टाइम टू टाइम आपका भी अच्छा हो जाएगा, बस कंप्लीट। तो ये आपको करना है, इसको करिए कम से कम 10 और 12 के बीच में, और सेट रहेगा वही आपका 4 से 5, आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो दोस्तों यही आपकी एक्सरसाइज है, जिससे क्या होगा आपका ट्राइसेप कुछ ही दिनों के अंदर आपका बन जाएगा, और आपका ट्राइसेप में क्या बोलेंगे जान आ जाएगा, आपके आर्म्स में जान आ जाएगा, हट अब हम भी पंजा लड़ा लेंगे, समझे क्या, कहाँ से पावर आता है यही एक्सरसाइज से। अगर आप ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व करेंगे तो आपका धीरे धीरे स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, लेकिन हाँ आपको फॉलो करना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या आपको अपनी पसंद की वीडियो बनानी है तो आइए इंस्टाग्राम पे RRRFitness18 हमारा यूज़र नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो नए यूजर हैं जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRRFitness को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भाई का यूट्यूब चैनल है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।